ओके डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग हाउ आर यू आप लोग अच्छे होंगे उत्साह में होंगे चीजों को समझ रहे होंगे मेरे मेथड को कभी भी इग्नोर मत करना ये मेथड सबसे शर्तियां मेथड है और ये तुमको पूरे सोशल साइंस में कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा अब आपको देखना है कि दुनिया कैसे बदल रही है दुनिया को समझे बिना हम भारत के बदलाव को नहीं समझ सकते और दुनिया के इस बदलाव से ही आपका सारे सोशल साइंसेस के बदलाव जुड़े हुए हैं चाहे वो संविधान का विकास हो या अर्थव्यवस्था का विकास हो या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास हो सभी की जड़ यही है आपको जड़ को पकड़ना है तो आपको कोई भी टॉपिक को जैसे अब अमेरिकी के युद्ध है अमेरिकी के युद्ध को हम इंडिपेंडेंट देख ही नहीं सकते इंडिपेंडेंट देखेंगे तो उसके साथ हम जस्टिस कर ही नहीं सकते हम देख रहे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि हमने पहले आपको पार्ट वन लिया था याद करिए पार्ट वन में मैंने बताया था कि देखो यूरोप क्या था कैसे एंसियंट वर्ल्ड कैसा था फिर एंसियंट वर्ल्ड से हम मेडिवल वर्ल्ड पर आए ओके और मेडिवल वर्ल्ड से फिर आधुनिक पश्चिम के उद्भव पर आए तो हम एक सवाल आज करना चाहते हैं एक ही शब्द में आप जवाब देना मेरा सवाल यह है ताकि बच्चों मुझे लगे कि भाई आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड मेरा जो मोटो है उसको फॉलो कर रहे हो मेरा मोटो है कि टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर आपको सोचने वाला प्राणी बनना है और आप देखना हम आपको बना के ही छोड़ेंगे ऐसा नहीं है तो आपको सोचने वाला प्राणी बनाना है तो मेरा प्रश्न यह है कि भाई एशिया महाद्वीप विशाल काय महाद्वीप था एशिया में दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं यहां पनपी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता फिर आगे चीन की सभ्यता हम दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया दुनिया में सबसे पहले नगरीकरण हमने यूरोप से कहीं पहले नगरीकरण देखा हमने और ये सबसे समृद्ध था बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमेशा व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहा बल्कि वर्ल्ड जीडीपी के आधार पर जब उसका आकलन आगे किया गया जीडीपी का तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया इसके आकलन के बाद यह पाया गया कि वर्ल्ड जीडीपी का 55 परसेंट केवल इंडिया और चाइना के पास रहा एटीन सेंचुरी में तो फिर सवाल उठता है कि हम क्यों यूरोप से पीछे पड़ गए यूरोप को ऐसा क्या मिल गया अलाउद्दीन का चिराग हमसे आगे हो गया आप लोग अपना अपना विचार बस संक्षिप्त में बताइए एक दो शब्द में बी फास्ट अंकुर मेरा प्रश्न इनके सामने मेरे स्टूडेंट्स को जवाब देना है क्योंकि लेट दिस क्लास बी कॉम्युनिकेटिव मैं इस क्लास को कॉम्युनिकेटिव बनाए रखना चाहता हूँ वन मैन डायलॉग नहीं रखना चाहता हूं आप लोग मेरे प्रश्न को गौर से सुनना और प्रॉम्प्टली इसका उत्तर देना रिप्लाई में क्वेश्चन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर इंडिया का नाम अभी मत लीजिए इंडिया कॉलोनी बाद में बना है आपके प्रश्न का बस केवल कोई अगर ऐसा पूछे तो आप एक जवाब दे देना कि बेसिकली ब्रिटेन को अलाउद्दीन का चिराग हाथ लगाओ था अमेरिका का संसाधन अमेरिका से जो से कीमती जो धातु मिले उसी से वह पूर्वी व्यापार को सस्टेन कर सका मैं आपसे यही उम्मीद उम्मीद करता हूं और लगभग आपने वही जवाब दिया क्या अंकुर क्या जवाब है मेरे स्टूडेंट्स का ये लोग स्मार्ट है समझदार हैं जरूर हमारे प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे ये अमेरिका मैक्सिमम अमेरिका ओके वेरी गुड आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे फिर हम लोग जो पार्ट फर्स्ट किया आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे हुआ उसको देखा और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में जहां से आए वहां अब तक हमने जो टॉपिक किया पार्ट टू उस पार्ट टू में आप ये चीज देख रहे हो कि अब जो संघर्ष है वह महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग और शक्तिशाली राजतंत्र के बीच हो रहा है हाँ ये बात जरूर है कि राजतंत्र ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब वही पुराने कुलीन वर्ग और चर्च के साथ भी साठगाठ कर कर रहा है अब कहो कि भाई कुलीन वर्ग क्या पावर रिवाइव नहीं हो रहा है मैं आपको बताऊं कुलीन वर्ग जो पुराने सामंत थे उनके पास तो राजनीतिक शक्ति भी थी ना उनके पास किले होते थे उनके पास सेना होती थी वो बहुत ताकतवर होते थे तो वो तो खैर उनका पतन हो गया तो राजनीतिक शक्ति के रूप में तो सामंतवाद का पतन हो चुका लेकिन उनके जो आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार है वो बचे हुए तो उनके आर्थिक सामाजिक विशेषाधिकार से तो राजतंत्र को कोई परेशानी नहीं है उसका परेशानी है तो मध्य वर्ग को है तो राजतंत्र ने देखा कि भाई मध्य वर्ग अब महत्वाकांक्षी होता जा रहा है तो चलो मैं कुलीन वर्ग और चर्च के साथ ही थोड़ा एक इक्वेशन बना लेता हूं वही उसने बनाया तो फिर भी मध्य वर्ग चुप नहीं बैठा मध्य वर्ग उसके सामने फिर कोड ऑफ कंडक्ट तीनों के सामने रख दिया कि देखो भाई अगर आप बदल सकते हो तो अपने आप को बदल लो और अगर नहीं बदले तो हम सहन नहीं करेंगे तो एक तरह से उसने उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक राजतंत्र आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यवाद को हटाइए वाणिज्यवादी नीति को मुक्त अर्थव्यवस्था को लागू करिए और सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करिए यहीं से संविधान बाद भी दुनिया में आया और यह जो मांगे उसने उठाई यही मांगे प्रबोधन थी प्रबोधन है इनलाइटेनमेंट और फिर प्रबोधन की पहली गुंज अन्य महाद्वीप में सुनाई दी अमेरिकी महाद्वीप जो अमेरिकी क्रांति हुई और अमेरिकी क्रांति हुई तो भाई अब एक सवाल उठता है कि एक ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी जिससे मैं आपको परिचय करा चुका हूं तो ब्रिटिश अमेरिकी कॉलोनी अपने स्वामी के अगेंस्ट में विद्रोह करके उसने स्वतंत्रता हासिल कर ली तो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन होना चाहिए कहलाना चाहिए और या फिर कह सकते हो कि एक उपनिवेश दुनिया का पहला उपनिवेश अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करके उसने स्वतंत्रता हासिल की तो यह उपनिवेश विरोधी आंदोलन माना जाना चाहिए या उपनिवेशवाद विरोधी घटना मानी जानी चाहिए तो इसको क्रांति क्यों कहा गया क्रांति इसको क्यों कहा ये क्रांति क्यों कही जाती है इसलिए मैं स्टूडेंट्स कि जो यूरोप में जो मध्यवर्ग की आकांक्षा थी उसी मध्यवर्ग की आकांक्षा की अभिव्यक्ति अमेरिकी मध्यवर्ग भी कर रहा है अमेरिकी मध्यवर्ग भी वही मांगे रख रहा है जो यूरोपीय मध्यवर्ग ने रखी थी क्रांति का नेतृत्व तो अमेरिकी मध्य वर्ग के हाथों में है ना कुलीन वर्ग क्रांति के साथ कहां है आप देख ही रहे और इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग की भूमिका तो अभी है ही नहीं और जो मध्य वर्ग है वो मध्य वर्ग बेसिकली वो राजनीति मतलब वो वो, वो अपनी महत्वाकांक्षा को व्यक्त कर रहा है और जो ब्रिटेन के साथ उसका संघर्ष हो रहा है माइसेंट्स यह केवल एक मतलब अमेरिकी लोगों की या अमेरिकी अब कह सकते हो कि एक कॉलोनी की या एक उपनिवेश की अपनी मातृ देश के विरुद्ध विद्रोह नहीं है यह बिट अमेरिकी ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश के मध्य वर्ग की ब्रिटेन के राजतंत्र जॉर्ज तृतीय के विरुद्ध विद्रोह है इसलिए जब अमेरिकी क्रांति हुई तो पूरे यूरोप के मध्य वर्ग ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया तो मुझे लगता है कि यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब हम अमेरिकी युद्ध में आना चाहेंगे तो देखो अब अगर तुम हमको कहोगे तो हमारा इसमें टॉपिक होना था पहला प्रबोधन फिर अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी क्रांति से सीधा फ्रांस की क्रांति जुड़ती है अमेरिकी क्रांति से सीधा फ्रांस की क्रांति जुड़ती तो वहां से हमको कहा जाने इसमें हमने अमेरिकी युद्ध को इसलिए डाल दिया या कहो कि भाई अमेरिकी गृह युद्ध घटना अलग है वो तो आपने टाइम पीरियड देखा अठारह सौ इकसठ से पैंसठ अमेरिकी क्रांति अठारवी सदी के अंत में घटित हुई और अठारहवीं सदी के अंत मे अठावी सदी के अंत में सत्रह में सूढ़ी सत्रह में उसको स्वतंत्रता मिल गई तेरह उपनिवेशों को और सत्रह सो आठ, नवासी में उसने एक संविधान भी बना लिया और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में ढल गया तो 89 तक वहां कहानी समाप्त है और 89 से फ्रांस की कहानी शुरू हो जाती है तो सीधा अमेरिकी क्रांति से फ्रांस की क्रांति जुड़ती है जो आगे जोड़कर भी आपको दिखाएंगे लेकिन बीच में अमेरिकी गृहयुद्ध को लाने का मतलब यह है कि अमेरिकी गृहयुद्ध अमेरिकी क्रांति का एक सिक्वल है अमेरिकी गृहयुद्ध को हम दूसरी अमेरिकी क्रांति भी कहते हैं क्योंकि तो जो अमेरिकी गृहयुद्ध है उसने अमेरिकी क्रांति के अधूरी एजेंडे को पूरा किया कैसे तो वही आप पहले देखते हो देखिए अधूरी अधूरे एजेंडो को पूरा करने का प्रयास पहला है अमेरिकी गृहयुद्ध अब अमेरिकी स्वतंत्रता दासों पर लागू नहीं थी अब समझ सकते हो अब अमे... जैसे अमेरिकी आजादी की घोषणा हुई तो इसमें यह डिक्लेशन में यह कहा गया कि भाई अमेरिकी जो अमेरिकी उपनिवेशों को जो आजादी मिली है यह आजादी दासों पर लागू नहीं होगी ओके okay. तो चलिए ये आजादी दासों पर लागू नहीं होगी तो फिर ये स्वतंत्रता का मतलब क्या है ये स्वतंत्रता की घोषणा क्या है एक तरफ आप देखते हो बोस्टन में मैसाचुसेट्स और फिलहाल फिलाडेल्फिया में लोग स्वतंत्रता की घोषणा पर घंटे बजा रहे हैं खुशियां मना रहे हैं लेकिन इन खुशियों से दासों को क्या लेना देना है अमेरिकी स्वतंत्रता दासों पर कहां लागू होती दूसरा अमेरिकी संघ आंतरिक रूप में विभाजित क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में दास राज्यों की स्थिति अधिक मजबूत मैंने आपको बताया था जो संविधान बना तो दास राज्यों ने क्या कहा कि देखिए ऐसा है कि प्रतिनिधि सभा में हाउस ऑफ कॉमन्स में कल हम लोगों के बीच तय हुआ था आप लोग उसको नहीं भूले होंगे कि भाई जो दास राज्य जो दक्षिणी अमेरिका के दास राज थे उनका कहना था कि दासों की गणना भी होगी प्रतिनिधि सभा के मेंबर्स के संख्या के निर्धारण में दासों की गणना भी करनी होगी इसमें इसका फायदा उनको ये मिलता था कि आपस में जितने दास राज्य हैं वो हाउस हाु, सीनेट में तो कोई दाल नहीं गलने वाली किसी की कि जो सीनेट में सभी को दो ही मेंबर भेजना है खैर वहां भी तो एक फेलो फीलिंग तो बन ही जाता था आप सीनेट के मेंबर जो दास राज्य से आएंगे वो आपस में हाथ हिलाएंगे कि भाई हम लोग भाई भाई हैं ओके तो गठबंधन तो बन ही जाएगा और प्रतिनिधि सभा में दास राज्य की संख्या बढ़ रही थी क्योंकि उनके प्रतिनिधि की संख्या मतलब दास के दास राज्य के प्रतिनिधि के नंबर बढ़ जाते थे क्योंकि दासों की गणना होती थी तो ये भी एक समस्या थी जिसको दूर किया जाना था और तीसरा था कि संयुक्त अमेरिका आर्थिक रूप में विभाजित था अब देखो ये अमेरिका आर्थिक रूप में विभाजित है तो क्यों तो ये ये औद्योगिक ये अमेरिका में औद्योगिकरण चल रहा है इसमें और यहां पर बागवानी खेती मतलब यहां पर तंबाकू कपास आदि खेती है यहां पर खेती है दासों पर आधारित खेती है और यहां पर औद्योगिकरण है तो आर्थिक रूप से अभी संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कहते हो अभी आर्थिक रूप से एक कहां है आर्थिक रूप से तो विभाजित है अब देखो जब आपको हमने अमेरिकी आजादी के समय देखिए अमेरिका अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश कि आजादी के समय मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का यह साइज दिखाया था याद करिए साइज दिखाया था अब इसका साइज हो गया है ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका तो ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ तो मैं आपको बताना चाहता कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम की तरफ विस्तार कर रहा था यहां से कैसे तो कुछ क्षेत्र को जीत रहा था वहां से रेड इंडियस को भगाकर गैर आवाद भूमि को आबाद कर रहा था कनाडा पहले ही छीन लिया था तो कनाडा तो अलग है और आप देखते हो कि पश्चिम की तरफ जो जहां रेड इंडियन थे उनको विस्थापित करके और उनको हटाकर नए नए क्षेत्र को शामिल कर रहा था अपने में कुछ क्षेत्र को परचेज भी कर रहा था जैसे लुसियाना वगैरह जैसे कुछ कुछ क्षेत्र परचेज भी कर रहा था तो इस तरह से तुम देखते हो कि धीरे धीरे इसको उसने एक नारा दिया था उस समय अमेरिकी नेताओं ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी डेस्टिनी का हिंदी में मतलब होता है अपने भाग्य के साथ साक्षात्कार करो मतलब कि पश्चिम की तरफ वो अनवरत विस्तार कर रहे थे और नारा दे रहे थे मैनिफेस्ट डेस्टिनी मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मतलब है अपने भाग्य से साक्षात्कार करो और अगर एक, एक तरह से आप देखेंगे तो जो संयुक्त अमेरिका की पश्चिम की तरफ विस्तार है उसको इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आप लार्जेस्ट लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट कर सकते हैं लार्जेस्ट लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट मतलब इतनी बड़ी मात्रा में लैंड को ग्रैब किया इन्होंने जो आज तक किसी ने नहीं किया हो इतने नए नए क्षेत्रों पर जैसे अमेरिकी लोग हैं जब वो कोई गलत काम भी कर रहे होते तो विचारधारा की पुट दे देते हैं जब वो परमाणु हथियार भी गिरा रहे थे जापान पर कह रहे थे कि हम दुनिया को जापान के अत्याचार से मुक्त करने जा रहे हैं हम दुनिया को फांसीवाद से मुक्ति दिलाने जा रहे हैं हम दुनिया को सैनिक तानाशाही से मुक्ति दिलाने जा रहे हैं तो जब वो पश्चिम की तरफ विस्तार कर रहे हैं तो पश्चिम की विस्तार की तरफ विस्तार करते हुए नारा दे रहे हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी अपने भाग्य साक्षात्कार कर इस तरह से ये अब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ मामला युद्ध का आएगा उसको देखिए अब देखो अमेरिकी युद्ध की तरफ कितना बढ़िया मैंने शुरुआत में आपको पंक्ति दी है जैसे देखो अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, उनको दिमाग में सेट कर लो राइटिंग में भी अगर उनको यूज करोगे तो आपके राइटिंग की क्वालिटी बढ़ेगी जो तो अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं उस अच्छी अच्छी पंक्तियों को यूज करना सीखो और यूज करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उन पंक्तियों को डाइजेस्ट कर लो जैसे देखो इसमें है किसी विध्वंसात्मक घटना के द्वारा एक बड़ा रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है किसी जो विध्वंसात्मक घटना के द्वारा तो तो इसका उदाहरण है अमेरिकी गृहयुद्ध शायद ही अमेरिकी राष्ट्र के समक्ष इतनी बड़ी चुनौती उपस्थित हुई होगी जितनी कि हम गृहयुद्ध के रूप में पाते हैं परंतु इस घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका को रूपांतरित कर एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जैसे मैं आपको बताना चाहता कि आज तक एक राष्ट्र के रूप में आप कह सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जब मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक सैनिक आक्रमण हुआ था उस आक्रमण को बोलते हैं पल हार्बर पर अटैक लेकिन उससे भी उसी तरह की एक घटना है जब नाइन इलेवन में ओसामा बिन लादेन ने और वहां ओसामा बिन लादेन और अल कायदा ने जब अमेरिका पर टेरिस्ट हमला किया था लेकिन ये सब कुछ भी नहीं, नहीं है अमेरिकी युद्ध के समक्ष क्योंकि अमेरिकी युद्ध तो एक तरफ से संयुक्त अमेरिका को न्यस्त नारूद कर देता इससे बड़ी विध्वंसात्मक घटना क्या हो सकती है कि अपने ही एक ही देश के दो पार्ट लड़ जाए ओपन दोनों के बीच वॉर हो जाए दो शत्रु की तरह इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है माइस्टूडेंट सोचो लेकिन ऐसी विध्वंसात्मक घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सर्जरी सिद्ध हुई अब देखते हो लोग सर्जरी में जाते हैं अपने बीमार अंग को सही करने के लिए डॉक्टर उसको एक अच्छे खासे बॉडी के पार्ट को काटता है ब्लीडिंग होती है दर्द होता है लेकिन लोग दर्द सहते हैं क्योंकि उसके बाद वो स्वस्थ शरीर हो जाता है तो यह एक तरह से अमेरिका वो सर्जरी सिद्ध हुई जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को और भी पावरफुल और स्वस्थ बना दिया ये तो एक कॉमन इंट्रोडक्शन है आपके लिए अब हम कारणों की चर्चा करते हैं कि भाई इसके कारण क्या है तो मैं बहुत आसानी से आपको समझा दे रहा हूं आपको याद ही हो जाएगा देखिए कारण क्या है कारण है अब एक देखेंगे तो दास व्यवस्था दास व्यवस्था का उन्मूलन अगर कोई किसी से पूछोगे एक बात बताइए आप युद्ध क्यों हुआ तो कहेगा दास व्यवस्था के उन्मूलन के मुद्दे पर हुआ लेकिन गहराई में जाकर देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दास व्यवस्था का उन्मूलन का मुद्दा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना दास व्यवस्था से जुड़े हुए आर्थिक और संवैधानिक प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आपने देखा होगा और मैंने मैटर में इसलिए पहले दे देता हूं कि दो बार जाके आप पढ़ोगे एक बार क्लास अटेंड करने से पहले और एक बार क्लास अटेंड करने के बाद और जब क्लास अटेंड करके आप पढ़ोगे तो आपको अधिकांश चीजें नेचुरली डाइजेस्ट हो जाएगी अब जैसे देखिए दास व्यवस्था का उन्मूलन में एक मुद्दा तो मोरल था मोरल कहते हैं नैतिक तो नैतिक मुद्दा में जैसे उत्तरी अमेरिकी राज्य जैसे उत्तरी अमेरिकी राज्य थे वो कहते थे कि भाई ये अनैतिक है यूरोप में दास व्यवस्था का उन्मूलन हो गया अभी भी संयुक्त अमेरिका में दास व्यवस्था का उन्मूलन दास व्यवस्था कायम है जैसे अब मान लो देखिए आप इसको ऐसे समझिए सोसाइटी में जब सबके परिवार की महिलाएं शिक्षा पा रही हो और एक परिवार में महिला है जो अभी भी घूंघट की ओट में रखी गई है उसे बाहर सूर्य की रोशनी भी नहीं देखने दिया जा रहा है तो आसपास के जो परिवार है उसमें तो उस परिवार की आलोचना होगी उसके जो पुरुष है उसकी निगाहें नीची होगी क्योंकि बाकी लोग कहेंगे भाई देखो कैसा दख्यानुषी है विचार रखता है कैसा ये अनुदारवादी कैसा कंजर्वेटिव मैन है ये तो वही उत्तरी अमेरिकी लोग जो लोग थे उनका कहना था कि भाई आपके कान हमें लज्जित होना पड़ रहा है क्योंकि तो यूरोप में उसमें प्रबोधन चल रहा था और प्रबोधन का प्रभाव था फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी दास व्यवस्था का उन्मूलन यूरोप में हो चुका था तो उत्तरी अमेरिकी राज्यों का कहना था कि नैतिक रूप में दास व्यवस्था गलत है उसका समाप्ति होनी चाहिए दक्षिण अमेरिकी राज्य कहते थे, थे नहीं 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 नैतिक रूप से गलत नहीं है बाइबिल में भी इसको है तो जहां उत्तरी अमेरिकी राज्य कहते थे कि नैतिक रूप से गलत है वहीं दक्षिणी अमेरिकी राज्य कहते थे, थे? नैतिक रूप से गलत नहीं है बाइबिल जो ईसाइयों का ग्रंथ है वो कहते हैं इसमें भी स्वीकृति है जबकि उनका गलत तर्क था अब मैं आपको बताना चाहता ये तो नैतिक तो एक साधारण सी बात है इसका मुख्य जो मुद्दा जुड़ा हुआ था यह मुख्य मुद्दा था आर्थिक और दूसरा संवैधानिक संवैधानिक अब आर्थिक मुद्दा था और संवैधानिक मुद्दा था तो आर्थिक मुद्दा बहुत दोनों मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट थे अब देखो ये मुद्दा क्या था जैसे आर्थिक में ये था उत्तरी अमेरिकी जो राज्य थे उत्तरी अमेरिकी राज्य वहां पर औद्योगिकरण आरंभ हो चुका था औद्योगिकरण चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री स्थापित हो रहे थे और दक्षिणी अमेरिकी राज्य थे तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य में अभी बागवानी खेती थी बागवानी खेती में जैसे कपास था जैसे तंबाकू था तो इस तरह की नकदी फसलों की खेती होती थी तो चूंकि अमेरिका कि व्हाइट लोग थे उनकी जनसंख्या तो कम ही थी उनको अपनी खेती को चलाने के लिए दासों की आवश्यकता पड़ती थी दासों में उनको पैसा नहीं लगता था तो खेती में बहुत ज्यादा बचत होती थी तो इनका कहना था अब उत्तरी अमेरिकी राज्य में जो औद्योगिकरण था तो मैं आपको बता दूं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो दासों की आवश्यकता नहीं रह जाती है स्लेव इकोनॉमी है वो कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अनुकूल नहीं पड़ती है मैं इसका कारण बताता हूं जैसे देखो जब आप औद्योगिकरण या उद्योगों को चला रहे हो तो आपको आवश्यकता पड़ेगी स्किल में दासों की आवश्यकता नहीं होगी नंबर वन नंबर टू कि अगर जब जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इंडस्ट्री तो कुछ खास क्षेत्र में होते हैं आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का तकाजा होता है कि जो लेबर सरप्लस रीजन है वहां से लेबर उठकर लेबर वाले रीजन में जाए सो शुड बी द फ्री वेज उसका था उसका होता है फ्री वेज प्रिंसिपल या फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर लेबर का फ्री मूवमेंट होना चाहिए एक क्षेत्र से जो ज्यादा आप कह सकते हो कि सरप्लस लेबर किसी एक क्षेत्र में है तो वो सरप्लस लेबर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए तो शुड बी द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर तो ये तकाजा होता है किसका तो आ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, का तो उत्तरी अमेरिकी राज्यों में औद्योगिकरण हो चुका था तो उत्तरी अमेरिकी राज्यों का कहना था कि फ्री लेबर का मूवमेंट होने दीजिए स्वतंत्र रूप से लेबर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए अब अगर दास व्यवस्था होगी तो लेबर को किसी खास क्षेत्र में बांध दिया जाएगा कि तुम लेबर हो तुम कहीं नहीं जा सकते तो दास व्यवस्था होने से जो जो स्वतंत्र श्रम सिद्धांत है जिसमें एक क्षेत्र से जो दूसरे क्षेत्र में फ्री लेबर मूवमेंट होता है वो बाधित हो जाती है उसमें रुकावट आ जाती है तो कभी भी जो, जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण होता है वो कभी भी दास व्यवस्था को पसंद नहीं करता है एक तरफ जो उत्तरी अमेरिका की इकोनॉमी थी उसमें दास व्यवस्था नहीं चाहिए दास व्यवस्था वहां बाधा थी और दक्षिणी अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो दास व्यवस्था पर ही आधारित थी दा, दास व्यवस्था उसका लाइफ ब्लड था तो मुख्य संघर्ष ये है कि जब उत्तरी अमेरिकी राज्य के उन्मूलन की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य डर जाते हैं एक तो ये की है अब दूसरा मुद्दा देखो दूसरा मुद्दा मैंने कहा संवैधानिक तो संवैधानिक मैं आपको बता चुका हूं कि संवैधानिक में मुद्दा यह था कि अब जब कोई नए राज्य अब सबसे बड़ी समस्या है कि आप जान ही रहे हो कि इनका पश्चिम की तरफ विस्तार हो रहा है तो पश्चिम की तरफ विस्तार में जो कोई नए राज्य शामिल हो रहा है उसमें प्रत्येक नए राज्य को शामिल होने के समय एक बड़ा विवाद शुरू होता है कि संबंधित राज्य को हम स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल करें या दास राज्य के रूप में स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल करें या दास राज्य के रूप में क्यों अगर उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल करोगे तो दासों की गिनती नहीं होगी अगर दास राज्य के रूप में शामिल करोगे तो उनके दासों की गिनती होगी और कल मैं आपको बता चुका हूं संविधान में कि दासों का जो वजन है माने वैल्यू है वो तीन बटे पांच होगा माने पांच दास तीन फ्री सिटीजन के बराबर होगा उस आधार पर उसकी गिनती करके और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मतलब कि प्रतिनिधि सभा में उसको उतनी सीटें ज्यादा मिलेगी दासों के आधार पर मतलब प्रतिनिधि सभा में जो उनको सीटें आवंटित होगी उसमें दासों की गणना भी शामिल होगी तो यह बात उत्तरी अमेरिकी राज्यों को बड़ी बुरी लगती थी कि भाई ऐसे में तो दास राज्य आप जितने हो तो आपके प्रतिनिधि तो आप प्रतिनिधि सभा में बढ़ जाएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ जाएंगे इसलिए जब भी कोई नया भूभाग शामिल होने लगता था तो एक हल्ला मचता था उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में उत्तरी अमेरिकी राज्य कहते थे उनको आप स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल करिए और दक्षिणी अमेरिकी राज्य कहते थे उन्हें आप दास राज्य के रूप में शामिल करिए तो दोनों के बीच एक बड़ा विवाद शुरू होता था जब कोई नया भूभाग शामिल होता था ओके okay? तो नए भूभाग को शामिल होने के बाद दोनों के बीच एक लंबा विवाद शुरू हो जाता था स्वतंत्र राज्य और दास राज्यों की भी तो इसलिए जैसे आप देखो कैलिफोर्निया का जैसे टेक्सास का विलय हुआ कैलिफोर्निया का विलय हुआ वहां भी विवाद हुआ फिर उसी प्रकार से देखो आप कैलिफोर्निया का विलय हुआ था वहां भी विवाद हुआ फिर एक यहां पर नेब्रास्का ओके तो और यहां पर तो कंसास और का है तो कंसास और नेब्रास्का में जब उसका विलय हुआ तो तो उसमें भी एक बड़ा विवाद शुरू हो गया कि भाई दास राज्य के रूप में शामिल करो या स्वतंत्र राज्य के रूप में हालांकि बीच बीच में पंचायत भी होती थी जैसे अब अठारह में एक अमेरिकी राजनीतिक नेता था उसका नाम था हेनरी क्ले तो उसने पंचायत की थी कि देखो इस सीमा से उत्तर में जो जो, जो राज्य शामिल होगा वो वो स्वतंत्र राज्य होगा और इस सीमा से दक्षिण में होगा वो दास राज्य होगा लेकिन उससे पंचायत से बात बनी नहीं इस कारण से इन दोनों इस कारण से उन दोनों के संबंध बिगड़ते चले गए आर्थिक और संवैधानिक कारण से दास जैसे पश्चिम की तरफ जो विस्तार हो रहा है उसमें जो दास राज्य तो है तो संवैधानिक कारण है पश्चिम की तरफ विस्तार और आर्थिक कारण है कि जब उत्तरी अमेरिकी राज्य जब दास व्यवस्था के उन्मूलन की बात करता है तो दक्षिण अमेरिकी राज्य इसलिए डर जाते हैं कि उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी दास आधारित इकॉनॉमी है तो पहले इतना आप लोग ओके कर दो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा क्लास कॉम्युनिकेटिव रहे इतना आप लोग ओके कर दो इतना आप समझ गए तो हम फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे अंकु मे इन्फॉर्म करो मेरे स्टूडेंट्स का कोई दिक्कत ओके okay. तो ये दो मुद्दे हो गए अब मैं आपको फिर दूसरी तरफ ले चलता हूं आर्थिक मुद्दा समेत अब देखो तात्कालिक कारण क्या था तात्कालिक कारण बहुत इंटरेस्टिंग कारण है मैं आपको बता देता हूं अरे भाई अरे भाई संजीव इतना लेट तुम अर्थ पूछ रहे हो हम कितना पहले तुमको अर्थ बता चुके हैं कि देखो तुम अगर उत्तरी और दक्षिणी राज्य का अर्थ संजीव अभी तुम जानना चाह रहे हो तो ये तो बड़े मतलब आश्चर्य की बात मेरे लिए है यहां पर तो शायद कोई इसको क्यों रखियो अंकुर इससे चाहता तो वो मैं प्रकट देता हाँ ये है है देखो चलो अब देखिए देखो ये हुआ उत्तरी अमेरिका संजीव सुन लो ये है उत्तरी अमेरिका आप सभी लोग सुन लीजिए आप लोग जितना ब्रिलियंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं ऐसा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए और ये हुआ उत्तरी अमेरिका और एक उसका दक्षिणी जो अमेरिका का भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका जहां आज ब्राजील है जहां अर्जेंटाइना है अब देख ही रहे हो जहां इक्वेडोर है ये सब जो रीजन जहां आप देख रहे हो बोलीबिया है वो सब क्या है दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम ये तेरह जो उपनिवेश हैं और तेरह के बाद जो इधर उनका विस्तार हो रहा है तो जो इसको हम कहते हैं यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नाम देते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका नहीं संजीव संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी भाग तो हम कहते हैं उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिणी अमेरिकी राज्य तो उसका मतलब यहां पर आप तुम यही समझना गृह युद्ध के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्य अगर तुमको दिक्कत हो तो हम कहेंगे यूएसए के उत्तरी राज्य ऐसा कर रहे थे और यूएसए के दक्षिणी राज्य ऐसा कर रहे थे परंतु वैसे कंफ्यूजन में मत पड़ना जो क्वेश्चन तुमने किया है और लोग ओके हैं सब समझ रहे हैं yes. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब देखिए अब मैं आपको तत्काल प्रॉब्लम बताता हूं क्या अब क्या हुआ कि इसी में तनाव तो अपनी प्राकाष्ठा पर था 1861 में अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में 1860 में चुनाव हुआ चुनाव हुए किसका तो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उस समय यूएसए में दो पार्टी थी यूएसए में उस समय दो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी पोलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल एक थी रिपब्लिकन पार्टी रिपब्लिकन पार्टी आज भी है और दूसरी थी डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी तो जो रिपब्लिकन पार्टी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों का से उत्तरी राज्यों से इसका इंटरेस्ट ज्यादा जुड़ा हुआ था और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको दास राज्यों से इंटरेस्ट ज्यादा जुड़ा हुआ था ओके और मैं आपको बताऊं कि उससे पहले अठारह में सुप्रीम कोर्ट संयुक्त राज अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वह दुनिया का अपने आप को ह्यूमन राइट्स का मानव अधिकारों का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर घोषित करता है कि हम मानव अधिकारों को बहुत सुरक्षा देते हैं लेकिन वही जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अठारह में एक मुकदमे का फैसला दिया था अठारह में एक मुकदमे का फैसला उसको बोलते हैं ड्रेड स्कॉट मुकदमा डेड स्कॉट मुकदमा जानते हो डेड मतलब डे... स्कॉट मुकदमा में एक मामला गया था एक दास का जो भाग के कहीं और चला गया था तो हुआ कि भाई दास को उसका जो मालिक है वो दास को दोबारा प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का उस मुकदमा का फैसला देखकर तुम चकित रह जाओगे सुप्रीम कोर्ट जो मुकदमा का फैसला दिया है वो देता है वो कहता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दास अधिकार विहीन संपत्ति की तरह है। वो मतलब वो दास को मानव नहीं माना उसके अधिकारों की बात नहीं कहा तो सुप्रीम कोर्ट का, का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट उस दिन के फैसले से आज लज्जित होता होगा क्योंकि आज दुनिया का अपने आप को ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर कहता है ये जो रिपब्लिकन पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी उत्तर अमेरिकी राज्य है वो उत्तरी अमेरिकी राज्यों की उत्तरी अमेरिकी राज्य मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तरी राज्य हैं उसके हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और डेमोक्रेटिक पार्टी दक्षिणी अमेरिका के दास राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है अब स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि दोनों में प्रोग्रेसिव ज्यादा कौन है रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक मतलब कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है मतलब दोनों में आपको ज्यादा प्रगतिशील कौन पार्टी दिखती है रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक फास्ट जल्दी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे हमारा कॉम्युनिकेशन बने और आपको भी मेंटली में, 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 में अलर्ट रखू मैंने क्या कहा कि अस्सी मिनट मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए एक है रिपब्लिकन दूसरा है डेमोक्रेटिक आप इसमें से किसे ज्यादा प्रोग्रेसिव मानते हैं तब तब की बात कर रहा हूं 1860 सौ साठ के संयुक्त अमेरिका में स्मार्ट इनफ टू आंसर माई क्वेश्चन लेकिन अब मेरा फिर दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है रुक जाइए एक मिनट अभी चल रहा है उन लोगों का रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक क्या बोल रहे हैं रिपब्लिकन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, Republic. है। ध्यान से सुनिए आज वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप थे जो गए और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो जो बाइडेन है और इससे पहले आपने देखा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा थे रिपब्लिकन पार्टी से जॉर्ज डब्ल्यू बोस थे आज की तारीख में संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव आपको लगता है सेम है या अलग हो चुका है सेम है या अलग हो चुका है डेमोक्रेटिक आज डेमोक्रेटिक ज्यादा पड़ोस तुम लोग समझदार लोग बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब मैं तुमसे पूछता हूं तुम लोग उत्तर देते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है फिर मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को सोचने वाला प्राणी बनाने में बहुत हद तक कामयाब रहा हूं और आगे भी रहूंगा मैं आपको इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर जरूर लाऊंगा आपको पूरे पढ़ने का तरीका बदलवाऊंगा देखिए, ये जो रिपब्लिकन पार्टी है दैट इज करेक्ट जो रिपब्लिकन पार्टी है यह पार्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आ, आज कनेगेटिव है आज डेमोक्रेटिक पार्टी ज्यादा प्रोग्रेसिव है बराक ओबामा का आप जानते हो कि मेडिकेयर उसने लागू करवा दिया पूरा अमेरिका में मेडिकल सबको इंश्योरेंस दिलवाया था मेडिकेयर तो उसको ओबामा क्लियर भी बोलते हैं तो खैर नहीं हुआ पॉइंट इज कि उस समय रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा प्रोग्रेसिव था और रिपब्लिकन पार्टी का एक उम्मीदवार 1860 में जो रिपब्लिकन पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना वो था अब्राहम लिंकन मतलब वो रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बना अब्राहम लिंकन अब मैं आपको बताऊं कि जो रिपब्लिकन पार्टी उत्तरी अमेरिकी राज्य मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उत्तरी अमेरिकी राज्यों के हितों में दो बातें हैं एक दास व्यवस्था का उन्मूलन हो जो चाहता है और दूसरा उत्तरी अमेरिकी राज्य यह चाहते थे कि हमारे उद्योगों को संरक्षण मिले उद्योगों का संरक्षण मिले का मतलब तो समझते हो जैसे मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में औद्योगिकरण आरंभ हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने का मतलब है कि उनकी प्रतिस्पर्धा और उनके पास जहाज रानी तो भी थी शिपिंग इंडस्ट्री भी थी तो उनके इंडस्ट्रीज और शिपिंग इंडस्ट्रीज का जो कंपटीशन होता था वो यूरोपियन इंडस्ट्रीज से होता था यूरोपियन देशों से होता था तो चूंकि यूरोपियन देशों में औदयीक पहले हो चुका था तो उनकी वस्तुएं थोड़ी चीप होती थी चीप थोड़ा सा तो इनकी वस्तुएं मार खाती तो इन्होंने क्या किया कि कि ये चाहते थे कि आप यूरोपीय वस्तुओं पर चुंगी लगाइए यूरोपीय जहाजों पर अतिरिक्त चुंगी लगाइए ताकि अमेरिकी जहाज चल सके ये उत्तरी अमेरिकी राज्यों की मांग थी दक्षिण अमेरिकी राज्य कहते थे काहे को हमें क्या पड़ी है कंपटीशन होने दीजिए आपके उद्योग को संरक्षण मिलेगा उसे हमें क्या फायदा है क्योंकि जो दक्षिणी अमेरिकी राज्य थे वो अपने बागवानी उत्पाद जहाजों में भेजते थे निर्यात करते थे तो उनको लगता था कि अगर कंपटीशन चलता रहेगा तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं कंपटीशन के कारण अमेरिकी जहाज हैं अमेरिकी जहाजाने उद्योग के मालिक भी अपने भारी शुल्क को कम रखेंगे और यूरोपीय वाले भी कम रखेंगे हमको जो शूट करेगा हम उस जहाज को करेंगे और उत्तरी अमेरिकी राज्य कहते थे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका हम लोग एक राष्ट्र के हैं तो हमारे उद्योग को संरक्षण मिले उसी तरह की बात है कि आप ही बताइए कि अगर बिहार को विशेष सुरक्षा मिलती है तो गुजरात अगर आपत्ति आप करे क्योंकि भाई हमारा आपदान ज्यादा है गोवा आपत्ति करे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है नेशनल कॉफर्स में तो फिर राष्ट्र कैसे हुए हम राष्ट्र में तो जो निर्धन राज्य है धनी राज्य उनके भी संतुलन होना चाहिए तो इनका कहना था नहीं हम आपके उद्योग को संरक्षण को पसंद नहीं करते और उत्तरी अमेरिकी राज्य कहते थे कि दास वर्षा का नून करिए तो दोनों के हित परस्पर टकरा रहे थे और जब रिपब्लिकन पार्टी ने अपना कैंडिडेट अब्राहम लिंकन को चुना तो अब्राहम लिंकन ने आरंभ में ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में दो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम ला दिया उसने एक कहा कि हमारा कार्यक्रम है दास व्यवस्था का उन्मूलन और दूसरा उत्तरी उद्योगों को सुरक्षा उत्तरी उद्योगों को संरक्षण मतलब अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण और अमेरिकी उद्योग तो उत्तर में थे तो उत्तरी अमेरिकी राज्यों जो यूएसए का जो उत्तरी अमेरिकी भाग है या यूएसए के जो उत्तरी राज्य हैं उनके उद्योगों को संरक्षण मिलता तो इन दोनों बातों से दक्षिणी राज्यों को आपत्ति थी क्या चलो दक्षिणी अमेरिका जो यूएसए द... के दक्षिणी राज्य थे वो इस बात से संतुष्ट थे कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्योंकि उनको इस बात का विश्वास था कि चूंकि बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलने वाली थी तो जानते थे कि रिपब्लिकन पार्टी आगामी चुनाव में हारने वाली है और डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है इसलिए वो आश्वस्त थी अब्राहम लिंकन व्यक्तिगत तौर पर दास व्यवस्था को नापसंद भी करता था एक बार उसने कहा था कि अगर दास व्यवस्था गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है ये गलत है दूसरी तरफ उसने कहा था विभाजित संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चल सकता आधा दास और आधा स्वतंत्र अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका खड़ा नहीं रह सकता ये आधा आधा नहीं चलेगा पूरी तरह से दास व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए इसलिए यह क्लियर हो गया था कि अब्राहम लिंकन की जीत मतलब दास व्यवस्था का उन्मूलन 1860 में जो चुनाव हुआ तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया जैसे डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में अब्राहम लिंकन ने सरप्राइज दे दिया किसी कारण से डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट पड़ गई तो चुनाव रिपब्लिकन पार्टी ने जीत लिया और अब्राहम लिंकन अब प्रेसिडेंट बनने वाले थे लेकिन आपने गौर किया होगा क्योंकि आप तो कम से कम जो अभी हाल में जो बाइडन का चुनाव हुआ है उस पर हो सकता है आपकी नजर हो तो आपने गौर किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव हारा था तो उसके बाद कुछ महीनों तक वो लड़ाहा और फिर जो बाइडेन को सत्ता आगे मिली तो क्या होता है कि चार वर्ष उनका टेन्योर होता है उसमें क्या होता है कि पहले ही एक प्रेसिडेंट का चुनाव करके रख लिया जाता है ताकि समय टेन्योर पूरा होने से पहले और एक आध महीने में जब उनका टेन्योर पूरा होने वाला होता है तो इनको शपथ ग्रहण कराई जाती है उस समय जो प्रेसिडेंट अमेरिका का आउट प्रेसिडेंट था वो था बुकानम और अब्राहम लिंकन आने वाला था अभी तो न ही प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन चुनाव जीता अभी उसने शपथ ग्रहण भी नहीं किया अभी उसने ओथ टेकिंग भी नहीं किया था तभी दक्षिणी अमेरिकी राज्य में मतलब यही अपमान के चलिए कि जो साउदर्न अमेरिकन राज्य हैं उसमें ये जितना आपको दिख रहा है स्टेट्स, उसमें से धीरे धीरे सब खिसकना शुरू हुआ और दक्षिणी कैरोलिना स्वतंत्रता की घोषणा कर दी फिर एक दूसरे ने घोषणा की तो पहले च... पहले चार राज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की और फिर सात राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की और संयुक्त अमेरिका में उस समय उस समय तक क्योंकि देखो अभी तो पचास राज्य हैं पचास स्टेट तब हुआ करते थे टोटल चौंतीस स्टेट मतलब अभी पश्चिम की तरफ विस्तार चल ही रहा था तो अठारह में देख रहे हो ना आप अठारह तो में उस समय तो टोटल जो स्टेट्स थी उसकी संख्या मात्र चौंतीस ही थी अभी पचास नहीं थी तो चौतीस में जो तैतीस राज्य थे वो दास व्यवस्था के विरोधी थे और जो ग्यारह राज्य थे वो दास राज्य थे इन दास राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और यह अब्राहम लिंकन के शपथ लेने से पहले और ना केवल इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की मैं स्टूडेंट्स इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और घोषणा करने के बाद तब इन्होंने अपने अलग एक संघ भी बना परिसंघ भी बना लिया दक्षिणी अमेरिकी राज्यों का परिसंघ बना लिया और उस पर एक नए प्रेसिडेंट के रूप में जेफरसन डेविस जेफरसन डेविस को प्रेसिडेंट भी नियुक्त कर लिया अब देखो इतनी चीजें जो कर रहे थे वो इतनी चीजें इस आधार पर तुमको अब मेंटली अलर्ट रहना क्योंकि देखो अब मामला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आने वाला है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप समझ पाओगे जब इतनी बातें जब दक्षिणी अमेरिकी राज्य कर रहे थे तो दक्षिणी अमेरिकी राज्यों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कुछ भी असंवैधानिक कर रहे उनको कहना था कि देखो हम लोगों ने मिलकर संघ बनाया हम लोग साथ नहीं चल पाए तो साथ नहीं चल पाए तो टाटा बाय बाय गुड बाय हम जा रहे हम जा रहे अब आपको अपना मुबारक हो हम निकले तो एक्चुअली ये जो राज्य थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी उन्होंने जो संविधान की अवधारणा रखी थी वो संविधान की अवधारणा थी जिसको कहते हैं राज्य संप्रभुता की अवधारणा इन्होंने विश्वास प्रकट किया था राज्य संप्रभुता की अवधारणा ओ हम ज्यादा बोल लिख दी कितना लिख दिए कितना लिख दिया यार हा जैसे टोटल चौतीस है राइट तो चौतीस में ग्यारह है दास राज्य और बाकी जो है वो तेईस है ठीक है हमने लगता है चौतीस लिख दिया था ली। सही कहा सही कौन सा तेईस तो तो अलग है और ग्यारह है ग्यारह राज्य हैं वो ग्यारह राज्य दस राज्य हैं जो इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की उन्होंने एक अलग परिसंघ की घोषणा की और जेफरसन डेविस के रूप में नए प्रेसिडेंट को भी बहाल कर दिया अब ये जो ये सब काम कर रहे हैं इनको थोड़ा भी एहसास नहीं कि हम गलत कर रहे हैं इन्होंने राज्य संप्रभुता अवधारणा रखी उसको कहते हैं स्टेट सोबेरेंटी इन्होंने जो अवधारणा रखी उस अवधारणा का नाम है स्टेट सोबेरेंटी मतलब राज्य ही संप्रभु है संप्रभुता राज्य में निवास करती है और अमेरिकी संघ के बारे में आ, आपने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है आप जानते हो कि भारतीय संघ है वह विभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है और अमेरिकी संघ था अविभाज्य राज्य का संघ था मतलब राज्य को विभाज राज्य को तो खैर आज भी अल्टर नहीं किया जा सकता वहां राज्य पहले है वहां का जो संघ का देखो ना वहां संघ कैसे बना आपस में बार्गेनिंग करके बना और इंडिया में आपने क्या किया ऑलरेडी यूनिफाइड था उसको काट काट के काट काट के हम लोगों ने उसको राज्य बनाया और नौटंकी की आप देखिए राज्य को ही आप विकास देखिए तो जब हमें मिला था ब्रिटिश जब हमारे यहां बांट के गए थे उस समय हम लोग कितने थे नौ राज्य थे और पांच सौ बासठ देशी रियासत थी फिर हमने स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन किया उन्नीस सौ छप्पन में मॉडर्न हिस्ट्री में तो मैंने बताया तो कितने हुए चौदह राज्य हुए और छह केंद्र शासित क्षेत्र हुए फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ते बढ़ते हमारी पहुंच गई उनतीस उन, उन, राज्य की और उनतीस राज्य में फिर एक जम्मू कश्मीर को हटाया तो फिर अट्ठाईस पर आ गए इस तरह से हमारा जो चल रहा है तो हमारा तो बदलाव होता रहा आपका संविधान का अनुच्छेद एक से चार क्या है राज्य का नाम बदल सकते उसका आकार बदल सकते हो बताओ ना उत्तर प्रदेश से आपने उत्तराखंड को काट दिया बिहार से झारखंड को काट के अलग कर दिया आपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काट कर अलग कर दिया तो यहां तो जैसा चाहो राज्य का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं लोग अमेरिका में अविभाज्य है उसको विभाजित तो नहीं किया जा सकता तो इनका कहना था जिन्होंने देश राज्य की घोषणा की थी उन्होंने ये कहा कि देखिए ये अविभाज्य राज्य का संघ है और इनका कहना था कि यहां राज्य संप्रभुता है और राज्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और राज्य निर्णय ले सकते तो राज्य ने निर्णय लिया और राज्य जा चला गया बाय बाय हम जा रहे बुकानन जो प्रेसिडेंट था देखो एक पद इंपॉर्टेंट होता है पद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माई स्ट्रेंड्स पद को धारण करने वाला बुकानंद के प्रेसिडेंट में वह एक्यूमेन नहीं था जो अब्राहम लिंकन में था बुकानन उनके हुए राज्यों को बोल रहा था आहा, आप लोग जा रहे हैं रह जाते तो कितना बढ़िया था आप लोग जा रहे हैं बहुत दुख हो रहा है नहीं जाना चाहिए मतलब उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कभी बुकानंद ये नहीं कह रहे थे कि जो आप कर रहे हो वो असंवैधानिक है और संविधान देखो संविधान जब बनता है तब अलग चीज होती है लेकिन संविधान को दिशा मिलती है पॉलिटी से जो पॉलिटी हो संविधान को दिशा देती है अगर दो कंट्री को एक ही तरह के दो मतलब दो कंट्री है एक ही संविधान दो कंट्री को गिफ्ट कर दिया जाए तो दोनों संविधान की दिशा अलग अलग हो जाएगी पॉलिटी के कारण एक ही संविधान बना तो एक संविधान सभा दो संविधान बनाए अब देखो भारत का संविधान है एक भारत को गिफ्ट कर दो दूसरा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में का संविधान पता नहीं तुरंत तो फेल कर जाएगा तो पॉलिटी पर डिपेंड करता है जैसे अब इंडिया में देखो जब हमने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया था और ब्रिटिश तर्ज पर ही हमने संविधान में इस बात को वेग छोड़ दिया था अनुच्छेद चौहत्तर में हमने वहां पर नहीं लिखा था कि जो मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति को सलाह देगा ये तो लिखा लेकिन ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है ऐसा हमने किया है तो बयालीसवां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने तो उससे पहले मैं तुम लोग बता चुका हूं मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग तो बहुत कुछ याद रखते हो आपको याद होगा कि नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में जो खड़ा किया था संगठन कांग्रेस ने तो क्या गेम प्लान था जब नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार को बर्खास्त कर देंगे उस समय अगर नीलम संजीव रेड्डी जीत गए होते तो आज आ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप बदल गया होता तो अगर उस समय बुकानन होते तो अमेरिकी संविधान की दिशा कुछ और हो जाती लेकिन अब्राहम लिंकन ने तुरंत शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करने के बाद अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी राज्यों को चेताया कि देखिए आप जो कर रहे हैं बहुत असंवैधानिक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल राज्य संप्रभुता नहीं है और आप इस बात को जान लीजिए कि अगर अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका अविभाज्य राज्यों का संघ है तो अविभाज्य राज्यों का अविभाज संघ है अगर राज्य विभाजित नहीं हो सकता तो संघ भी विभाजित नहीं हो सकता अगर आप संघ को विभाजित करोगे तो यह भी असंवैधानिक है। की की। व्यवस्था के उन्मूलन के आधार पर अगर हम दबाव डालेंगे तो हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि उसका यह मानना था कि भाई दास व्यवस्था को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उसको लिटिमाइज कर दिया उसको वैधता दे दी तो दास व्यवस्था के आधार पर अगर हम गृह युद्ध या अगर हम युद्ध या संघर्ष करते हैं तो हमारा पोजीशन वहां पर अवैध हो जाएगा तो उसने कहा कि देखिए देखिए दासों से हमें हम दास के मुद्दे पर आपको नहीं कर रहे वो अलग चीज है सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आपको संघ से अलग होने का अधिकार है उसने कहा दास व्यवस्था में मैंने आपको क्या कहा और तब उसने एक बड़ा प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दिया कि अगर हम दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे अगर हम दासों को ना मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे और अगर हम कुछ दासों को मुक्त करके और कुछ अन्य दासों को ना मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम यह भी करेंगे मतलब उसने कहा कि देखो दास व्यवस्था यहां है, प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यह है कि आपने जो असंवैधानिक हरकत की है तो हम आखिर संयुक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व तो है और इसलिए हम संविधान की रक्षा करेंगे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप यहां से इस संघ को तोड़ सकते हैं जो आपने काम किया है वो संविधान सम्मत नहीं है संविधान के द्वारा स्वीकृत नहीं है अब दक्षिण के राज्यों में खलबली मच गई इसी पर हमको याद आता है कि जैसे राजमोहन गांधी अपने नाम सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कभी प्रोफेसर भी रहे थे अभी रिटायर कर गए वो गांधी जी के परपोते हैं ग्रेट ग्रैंड सन तो बड़े अच्छे स्कॉलर हैं मैं उनका पढ़ता रहता हूँ बुक भी आती रहती है तो मैं कई बुक से उनका सपोर्ट लिया है बहुत अच्छे राजमोहन गांधी को मैं लाइक करता हूँ एज एन ऑथर गोपाल गांधी भी ऑथर अच्छे हैं और वो भी एक स्कॉलर हैं अभी लेकिन गोपाल गांधी से राजमोहन गांधी की रचना को मैं ज्यादा लाइक करता हूँ और उनको मैं ज्यादा पढ़ता हूँ गोपाल गांधी की एक रचना मैंने पढ़ी लेकिन राजमोहन गांधी की मैंने कई रचनाएं पढ़ी उसने एक बहुत बड़े 2009 में एक पुस्तक लिखी थी 2009 में आप लोगों के तो वो 2009 सुनते हो तो सोचते हो कि भाई मैं तो उसमें क्लास फोर्थ फिफ्थ में पढ़ रहा हूंगा तो 2009 में मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी उसने लिखा कि द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड अमेरिकन सिविल वॉर अटेल ऑफ टू इवेंट्स मतलब उसने अठारह का विद्रोह और अमेरिकन सिविल वॉर अ टेल ऑफ टू इवेंट दोनों का कॉम्पेटिव स्टडी किया एक बड़ी अच्छी बात राजमोहन राजमोहन गांधी गांधी ने गांधी ने लिखी कहा कि देखिए हमारा का जो विद्रोह है वो चार वर्ष पहले हुआ और चार वर्ष बाद अमेरिकी क्रांति हुई सॉरी अमेरिकी युद्ध हुआ और दोनों में एक कॉमन फैक्टर था कि दोनों ब्रिटिश कॉलोनी ही रही थी एक प्रेजेंट कॉलोनी थी और एक एक्स कॉलोनी थी लेकिन उसने कहा कि देखिए मतलब अठारह का जो महाविद्रोह है उसमें तो हमने देखा कि लक्ष्मीबाई भी थी वीर कुंवर सिंह थे नाना साहब थे बहुत सारे रिबरे थे लेकिन उनको एक सिपाही म्यूटिन कहना ब्रिटिश के लिए आसान हो गया क्यों क्योंकि हमारे जो भी कोई भी जो हमारे नेता थे उन नेताओं में हुआ उनका कहना है राजमोहन गांधी का कोई थे नाना साहब भी थे कुंवर सिंह भी थी लक्ष्मीबाई भी थी लेकिन एक अगर उस समय अब्राहम लिंकन होता तो उसी समय वो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन गया होता नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों वो तो जैसे अब लक्ष्मीबाई ने कहा मेरी झांसी नहीं दूंगी और उसकी जगह कही होती मेरा हिंदुस्तान नहीं दूंगी तो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन जाता तो अब्राहम लिंकन जैसा कोई प्रगतिशील नेता नहीं था नहीं। तो अब्राहम लिंकन ने बड़ी कि कि उसने कहा कि भाइयों हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं हम दास व्यवस्था की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहे अपने पूरा ही बदल दिया ओके और तब इतना ही नहीं उसने दक्षिणी राज्यों को मौका दिया कि पहली गोली वो चलाए पहला फायर वो करे और वही हुआ कि उधर से संघर्ष दक्षिण की तरफ से पहला अटैक हुआ तब तो इसने गिरयुद्ध लड़ा पहले तो पड़वा दक्षिणी राज्यों का भारी था फिर उत्तरी राज्यों का पड़ा भारी हो गया और अठारह में अंत में दक्षिणी अमेरिकी राज्य हार गए और उत्तरी अमेरिकी राज्यों की जीत हो गई अब अब ये दोनों जीत तो हो गई लेकिन अब्राहम लिंकन इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं बचा क्योंकि अठारह में पैंसठ युद्ध गिरयुद्ध जब समाप्ति हुई तो अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई और लेकिन अब्राहम लिंकन ने ही जिस समय युद्ध चल ही रहा था उसी समय अब्राहम लिंकन ने दास व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर दी ऐसा इसलिए किया ऐसा दासों के प्रति कितनी सहानुभूति कारण था या कितना उसके पीछे पॉलिटिक्स था वो तय करना मुश्किल है क्योंकि इसके पीछे अब्राहम लिंकन की वास्तविक मनसा यह थी कि कि हम दास व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि दासों में उत्साह आ जाएगा और दास कहीं ना कहीं विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे तो अगर दास विद्रोह पर उतारू हो गए का मानना था दास विद्रोह पर उतारू हो गए इसका बहुत अच्छा हो जाएगा इस दक्षिणी अमेरिकी राज्यों का युद्ध प्रयास है वो धराशाही होगा तो मनसा वही थी इसलिए किसी क्रिटिक ने कहा कि अब्राहम लिंकन ने दास व्यवस्था का उन्मूलन वहां किया जहां उसका नियंत्रण ही नहीं था जैसे उत्तरी अमेरिकी राज्यों में तो दास व्यवस्था थी ही नहीं मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में जहां का वो प्रेसिडेंट था और दक्षिण अमेरिकी राज्य ऑलरेडी अलग हुए पड़े थे तो वहां दास उन्मूलन की घोषणा पर उसका नियंत्रण ने कहा कि अब्राहम लिंकन ने चीज हुई अब मिस्टर अंकुर मेरे स्टूडेंट से जरा आप पूछिए कि क्या आप क्लियर हैं आपको कोई प्रॉब्लम यहां तक आप क्लियर हुए या नहीं हाँ और ना माई स्टूडेंट्स प्लीज आंसर माई क्वेश्चन अंकुर पूछिए अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूं इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होगा देखिए अमेरिकी युद्ध का अमेरिकी रचनात्मक प्रभाव देखा गया एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में यूएसए का उद्भव युद्ध के पश्चात दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में भी औद्योगिकरण का प्रसार हुआ फिर अमेरिकी सरकार के द्वारा अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण दिया गया लगभग आठ दशकों तक इस संरक्षणवादी नीति पर चलते हुए यूएसए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया फिर रेलवे के प्रसार ने यूएसए को उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपस में जोड़ दिया इससे भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन हुआ मिला और इस प्रकार यूएसए का आर्थिक एकीकरण हुआ तथा वहां तेजी से पूंजीवाद का प्रसार हुआ जैसे देखो अब बताता हूं बहुत आसान है इसका एक लाभ बताते हैं ये मान लो संयुक्त राज्य अमेरिका है ओके तो ये हुआ उत्तरी भाग यहां पर था औद्योगिकरण ओके और यहां पर था बागवानी खेती थोड़ा और कम करते। यहां पर था औद्योगिकरण यहां पर थी बागवानी खेती तो एक तो आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ वो बताता हूं पहला ये हुआ कि पहले उत्तरी अमेरिकी राज्य औद्योगिकरण में थे और दक्षिणी अमेरिकी राज्य दासों आधारित बागवानी खेती थी जब दास व्यवस्था का उन्मूलन हो गया जैसे मैं आगे बताऊंगा कि संविधान का तेरहवा संशोधन के आधार पर दास व्यवस्था का उन्मूलन हो गया और संविधान के चौदहवें संशोधन के आधार पर दासों को नागरिक अधिकार मिल गए और पंद्रहवें संविधान के संशोधन के आधार आधार पर राजनीतिक अधिकार इस तरह से तेरहवीं चौदहवीं और पंद्रहवीं तेरहवीं संविधान संशोधन के आधार पर दासों को दास व्यवस्था का उन्मूलन हुआ तो क्या हुआ कि अब जो दक्षिण अमेरिकी राज्य थे तो वो पहले बागवानी खेती करने में उनको फायदा इसलिए था कि दासों को उनको तनख्वाह नहीं देना पड़ता था अब तो दास वोसा का उन्मूलन हो गया तो उनको स्वतंत्र मजदूर रखना पड़ेगा तो बागवानी खेती उनकी काफी महंगी हो जा रही थी तो उससे मुनाफा बहुत कम हो जा रहा था तो धीरे धीरे ये भी बागवानी खेती से ध्यान हटाने लगे और यह भी औद्योगिकरण की तरफ चले गए जब औद्योगिकरण की तरफ चले गए तो फिर इनका भी यहां भी औद्योगिकरण हो गया तो अब आपको पहला पॉइंट में देता हूं कि पहला पॉइंट आप वहां पर दिखा सकते हो कि दक्षिण में औद्योगिकरण के प्रसार के कारण प्रसार के कारण दक्षिण में औद्यन के प्रसार के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एकीकरण एकीकरण तथा पूंजीवादी रूपांतरण पूंजीवादी रूपांतरण ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ तथा पूंजीवादी रूपांतरण हुआ ओके अब देखो पॉइंट नंबर टू अब पॉइंट नंबर टू में बताऊंगा कि जैसे देखो अब उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी राज्य में, में मेल मिलाप ही नहीं था अब यही बताओ ना उत्तरी अमेरिकी राज्यों को में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहता तो दक्षिण अमेरिकी राज्य कोऑपरेट नहीं कर रहे थे अठारह सौ में पहले मैं बताऊं कि दोनों का एकीकरण फिर कैसे हुआ तो अठारह में एक लुसियाना पैक्ट हुआ और लुसियाना पैक्ट के आधार पर दोनों का एकीकरण हो गया एक तरह से दोनों ने स्वीकार कर लिया अब उत्तरी अमेरिकी राज्य है जो उत्तरी अब जो सरकार है अमेरिकी संयुक्त तो राज्य अमेरिका की सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है तो तो समय रेलवे का विकास हुआ हाईवेज का डेवलपमेंट हुआ तो अब चूंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका का एकीकरण हो चुका था एक तरह तरीके से तो रेलवे और जो आधुनिक यातायात तो और संचार व्यवस्था का विकास प्रसार करना संभव हुआ तो आप यहां दे सकते हो कि पूंजीवादी रूपांतरण में रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका आधुनिक यातायात तथा संचार व्यवस्था के प्रसार आधुनिक यातायात संचार व्यवस्था के प्रसार प्रसार के माध्यम से प्रसार ने निभाई प्रसार ने था रेलवे तथा हाईवे एवं सुपर हाईवे हाईवे एवं सुपर हाईवे हाई हाई का विकास हाईवे एवं सुपर हाईवे का विकास ओके okay? अब देखिए तीसरा तीसरा क्या हुआ कि मैं जैसे यहां पर जो मैं आपको अभी बता रहा था इसको देखिए एक्चुअली एक बड़ा विवाद तो मैंने बताया कि पहले उत्तरी अमेरिकी राज्यों में पहले औद्योगिकरण चल रहा था तो औद्योगिकरण चल रहा था तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य में औद्योगिकरण नहीं था बागवानी खेती थी तो जो अमेरिकी सरकार चाहती संयुक्त अमेरिका की सरकार यह चाहती कि हम अपने उद्योगों को संरक्षण दे संरक्षण दे रहा तो मैं बता ही चुका हूं तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य आपत्ति कर दे संयुक्त अमेरिका के दक्षिणी जो राज्य थे वो आपत्ति कर देते वो कहता कि भाई औद्योगिकरण आप अगर संरक्षण दोगे उसे तो हमें घाटा होगा हमें ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे तो उनका कहना था कि भाई हमें इससे घाटा होगा आप आप संरक्षण नहीं दे सकते इनका कहना था तो इस कारण से विवाद बना हुआ था लेकिन अब जब पूरी संयुक्त अमेरिका में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई तो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत अच्छे ढंग से अपने उद्योगों को संरक्षण देने लगी तो तीसरा होगा कि अमेरिकी उद्योगों को उद्योगों को संरक्षण मिला मिला तथा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए भी कर सकते हो हिंदी में ऐसे यूएसए यूएसए की सरकार ने सरकार ने आगामी आठ दशकों तक आगामी लगभग आगामी लगभग आठ दशकों तक दशकों तक संरक्षणवादी नीति अपनाकर नीति अपनाकर अपने को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिया अब देखो तो इंटरेस्टिंग बात मैं क्या बताता कि अब इनको छूट मिल गई अपने उद्योग को संरक्षण देने की अब मैं तुमको आगे जो बताऊंगा जब जब जिस समय मैं में ही बताऊंगा तो बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ ऐसा कि उस समय यूरोप में उन्नीसवीं सदी में मुक्त अर्थव्यवस्था के नीति लेसेज फेयर का को ज्यादा बढ़त मिलने लगी कारण क्या था लेसेज फेयर का कि आप देखिए एक्चुअली ब्रिटेन ब्रिटेन को फायदा था लेसेज फेयर से क्योंकि ब्रिटेन पहला औद्यकृत देश था तो वो चाहता था दुनिया हमारे लिए अपना दरवाजा खोल दे क्योंकि जो जिसकी इकोनॉमी आगे होती है ना इस बात को ध्यान रखना वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करेगा भाई संरक्षणवादी नीति मत अपनाओ चुंगी मत लगाओ फ्री ट्रेड चलने दो चूंकि मजबूत स्थिति में तो यही तरीका पहले ब्रिटेन ने अपनाया ब्रिटेन ने सबसे पहले ब्रिटेन ने अठारह में मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई हालांकि भारत पर तो पहले ही थोप दिया अठारह के चार्टर में ही आपको पता है कॉलोनी पर तो जबरन थोप देते थे 1848 में ब्रिटेन ने जब मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई फ्री ट्रेड तो जब 1848 में जब ब्रिटेन ने मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई तो उसने बाकी यूरोपीय देशों पर भी दबाव देना शुरू किया कि आप भी मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश दबाव में अन्यूरोपीय देश भी मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाने लगे जिस समय दुनिया में मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई जा रही थी उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरफा संरक्षणवादी नी नीति यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को लागू करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरह से अपने उद्योगों को संरक्षण दिया और संरक्षण देकर द्वितीय विश्व युद्ध तक तकरीबन तक संयुक्त राज्य अमेरिका अपने उद्योगों को संरक्षण देता रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो सकते। अब वही संयुक्त राज्य अमेरिका आज दुनिया को उपदेश दे रहा है फ्री हालांकि बीच में तो उसने खुद भी फिर किया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो फिर चाइना की प्रतिक्रिया में अभी संरक्षणवादी नीति भी अपना लिया है लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईएमएफ के माध्यम से वर्ल्ड बैंक के माध्यम से आगे फिर गे, पहले गैट और फिर डब्ल्यू के माध्यम से ये लगातार दुनिया के देशों को परेशान करता रहा कि अपनी इकोनॉमी को खोलो भाई उसको कोई याद दिलाओ कि तुम जो महाशक्ति बने हो किस चालाकी से बने हो तुमने संरक्षणवादी नीति अपना कर अपने को महाशक्ति के रूप में ढाल लिया है तो मैं स्टूडेंट्स पहले आप ओके करिए पॉइंट मैंने जो आपको बताया है वो आप समझ गए मिस्टर अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछिए इस पॉइंट को समझ गए संरक्षणवादी नीति से कैसे अमेरिका ने अपनी इकॉनमी को मजबूत बना लिया प्लीज कुछ हिंट करिए ओके okay. तो यही है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका चाला की चालाकी आज इसकी की दुनिया की सबसे ताकतवर इकॉनमी किए अब देखो अब आप पता नहीं ये प्रश्न का उत्तर आपको आगे दिया हुआ है नहीं आई डोंट नो अगर दिया होगा तो छोड़ देंगे नहीं तो मैं आपको अब अधूरे एजेंडे को पूरा किया ये क्वेश्चन है बस यही अब मैं आपको क्वेश्चन यही डालता हूं तुम लोग इस बार क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो मॉडर्निस्टी में लिखते थे अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो चीजों को एक होमवर्क देता हूं अब बताओ पहले वो होमवर्क क्या देता हूं तो देखो मैं बताता हूं एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट करो हाँ हां अमेरिकी गिरयुद्ध अमेरिकी गृह संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में के हित में एक बड़ा पूंजीवादी आंदोलन आंदोलन सिद्ध हुआ क्वेश्चन लिखिए आंदोलन सिद्ध हुआ टिप्पणी कीजिए टिप्पणी कीजिए अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में एक बड़ा पूंजीवादी आंदोलन सिद्ध हुआ टिप्पणी कीजिए अमेरिकी गृह संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में एक बड़ा पूंजीवादी आंदोलन सिद्ध हुआ टिप्पणी कीजिए लिख लिया आपने अब ये बताइए मुझे ओके करिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे आज आप लोग इस क्वेश्चन को हाँ इस क्वेश्चन का साइज है हंड्रेड एक सौ पचास शब्द एक सौ पचास शब्द है क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ये सर नो अंकुर जरा मेरे स्टूडेंट से पूछो और कहोगे आइडिया कहां से लाऊं आइडिया यही है देखो ये जो तीन पॉइंट मैंने दिए हैं यही आइडिया है यही से लेना है कंटेंट और पूंजीवादी आंदोलन सिद्ध करना है अब देखो एक तो मैंने ये हुआ दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच यूएसए एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होना एक तो आर्थिक लाभ यूएसए को मिला अब दूसरा लाभ क्या है देखो जब तक यूएसए में दास व्यवस्था कायम रही थी यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा उसकी आलोचना की जाती रही परंतु गृह के पश्चात संविधान में संशोधन के, के आधार पर दास व्यवस्था का कर दिया गया फिर चौदहवीं और पंद्रहवीं संशोधन के आधार पर अमेरिकी दासों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हुए इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय में यूएसए की स्थिति सुधर गई और आगे वह मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित हुआ देखो अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तगमा नहीं लिया वो दुनिया में के रक्षक के रूप में भी अब उनको देखिए संयुक्त अमेरिका को जो दासों के साथ कैसा व्यवहार किया लेकिन अब क्या हुआ कल से कम दास व्यवस्था का उन्मूलन हुआ तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त अमेरिका की इज्जत बढ़ गई पहले तो लोग कहते थे तुम तो अपने यहां दास रखे हुए हो आज इस जमाने में आप 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 इतना गलत काम क्या कर रहे हो अब तो उसने तेरहवीं और संविधान संशोधन और पंद्रहवीं संविधान संशोधन के आधार पर उसने दासों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी दे दिए तो अब तो वो शेर बन गया अब तो कहता था भाई मैंने तो दासों को मुक्त कर दिया तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और फिर दुनिया में अपनी छवि मानव अधिकारों के रक्षा के रूप में बनाना शुरू किया लेकिन सीमा है सीमा क्या है कि दास व्यवस्था का उन्मूलन कागज पर ज्यादा था व्यवहार में कम आपको मिला होगा कि 1960 में मार्टिन लूथर किंग ये दूसरा नेता है ये आप वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन आंदोलन वाला मार्टिन लूथर मत समझ लेना प्रोटेस्टेंट आंदोलन वाला मार्टिन लूथर अलग है यह मार्टिन लूथर किंग जिसका एक स्पीच आता है कि ड्रीम मेरा स्वप्न है कि जब दासों को आजादी मिले 1960 में उसने full -fledged एक सिविल राइट्स चलाया जानते हो जो शब्द आपने इंडिया में सुना होगा लिंचिंग 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 का मतलब किसी को नोच डालना अंग भंग कर डालना ये लिंचिंग शब्द संयुक्त अमेरिका से आया था वहां पर दासों को अगर अकेले में देख लेते थे ब्लैक लोगों को मैंने दास तो रहे नहीं ब्लैक लोगों को तो कुछ व्हाइट लोग पकड़ के उसको लिंच कर देते दे थे लिंचिंग मॉब इतना इनह्यूमन था और दुनिया को आज वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर के रूप में दिखा रहे तो संवैधानिक और नागरिक अधिकारों की स्वीकृति के बावजूद आज भी अमेरिकी जीवन में औेतु और शेत, और को समानता का अधिकार नहीं मिला है श्वेतों के द्वारा औक्षेतों पर नक्सवादी हमला और पुलिस मुठभेड़ में आज भी देखोगे आए दिन न्यूज़पेपर में मिलेगा कि इस भाई पुलिस एनकाउंटर में ये ब्लैक मारा गया एक तो पिछले साल आपको याद है जो ब्लैक को जितना निर्संसता पूर्वक पुलिस ने घुटने से दबा कर उसको, सफोकेट, टू डेथ। उसको इतना सफोकेट किया कि उसका डेथ हो गया तो ऐसा तो आए दिन घटना होती रहती है तो ये समस्या आज भी बनी हुई है अब देखिए अमेरिकी गिरयुद्ध अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम था इस कथन का परीक्षण कीजिए इसको मैंने आंसर करके आप लोगों को दिया हुआ है कि कैसे अधूरे एजेंडे को पूरा किया अमेरिकी गृह युद्ध जैसी विध्वंसामक घटना का व्यापक रचनात्मक तो प्रभाव देखा गया इसने निम्नलिखित रूप में अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडों को पूरा किया एक स्वतंत्रता की घोषणा का विस्तार अमेरिकी क्रांतिकारियों के द्वारा स्वतंत्र स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी परंतु उनकी घोषणा दासों पर लागू नहीं होती थी अमेरिकी ने उसे दासों पर भी लागू किया उदाहरण के लिए तेरह संविधान संशोधन के आधार पर दास व्यवस्था का उन्मूलन और चौदहवी और पंद्रहवीं संशोधन के आधार पर दासों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिया जाना अमेरिकी संघ का मजबूत होना अमेरिकी क्रांति के पश्चात अमेरिकी संघ में एक प्रकार का और संतुलन उत्पन्न हो गया था क्योंकि कांग्रेस के निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दास राज्यों का वजन बढ़ जाने का खतरा था यह राज्यों की समानता की अवधारणा के विपरीत जा रहा था परंतु दास हुआ था कि उन्मूलन के पश्चात यह मुद्दा समाप्त हो गया तीसरा एक पूंजीवाद्य आंदोलन के रूप में संयुक्त अमेरिका आर्थिक रूप में विभाजित रहा था एक तरफ उत्तरी राज्यों में प्रगति पर था वहीं दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में दास व्यवस्था पर आधारित बागवानी खेती प्रचलित थी परंतु जब दास व्यवस्था का उन्मूलन हो गया तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य भी बागवानी खेती की जगह औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ गए इस कारण संयुक्त अरब अमेरिका का आर्थिक एकीकरण हो गया ओके फिर वही समय है जब उत्तर से दक्षिण तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे तथा आधुनिक यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ हाईवे एवं सुपर हाईवे स्थापित किए गए सबसे बढ़कर संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की सरकार को अपने उद्योग को संरक्षण देने की स्वतंत्रता मिली एक दिलचस्प तथ्य है कि जब विश्व के अन्य क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा था तब अमेरिकी सरकार ने संरक्षणवादी नीति अपनाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया और फिर यही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया इसलिए अमेरिकी के युद्ध को तो एक पूंजीवादी आंदोलन की संज्ञा दे सकते देखो ये अलग है जैसे विस्तार में तुम यही दो पॉइंट लेना और पूंजीवादी आंदोलन एक अलग बना देना इसको अलग बना देना जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना यहां से ले लेना पूजीवादी आंदोलन मॉडल प्रश्न अमेरिकी विरुद्ध अमेरिकी क्रांति का दूसरा चरण था परीक्षण कीजिए बस वही बात हो गई अमेरिकी विरुद्ध एक पूंजीवादी आंदोलन था उदाहरण व्याख्या कीजिए तो मैंने आज दिया ही फूड फॉर थॉट अमेरिकी क्रांति भी अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह महज एक स्वतंत्रता आंदोलन था परंतु अमेरिकी क्रांति के मद ऐसा क्या हुआ कि इसे क्रांति का दर्जा प्राप्त हुआ हो जाएगा क्योंकि तो अमेरिकी क्रांति के में यह हुआ कि मध्य वर्ग की जो यूरोपीय मध्य वर्ग की आकांक्षा वो अमेरिकी मध्य वर्ग व्यक्त कर रहे थे इसलिए अमेरिकी क्रांति को हम क्रांति बोलते हैं क्योंकि तो कहीं ना कहीं यह भी जैसे अब बोल अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह महज एक स्वतंत्रता आंदोलन था परंतु इसमें अमेरिकी मध्यवर्ग ने ब्रिटिश राजतंत्र को चुनौती थी और अमेरिकी मध्यवर्ग ने वही मुद्दा उठाया जो यूरोपीय मध्यवर्ग पहले उठा चुके थे क्या अमेरिकी क्रांति क्रांतिकारिता अमेरिकी संविधान में निहित थी यस yes. गणतंत्रवाद संघीय व्यवस्था मौलिक अधिकार है ना जन संप्रभुता वी द पीपुल ऑफ अमेरिका हम अमेरिकी लोक शब्द का प्रयोग हुआ है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनकी आकांक्षा को बताती है क्रांतिकारी है एक तरह से अमेरिकी संविधान ने संविधानवाद के विकास क्या अमेरिकी क्रांति क्रांतिकारिता अमेरिकी संविधान में निहित थी तो इसमें इसको संतुलन भी करना पड़ेगा संतुलन ये करो कि कुछ हद तक लेकिन अभी भी सभी को मताधिकार नहीं दिया गया महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला निम्न वर्ग के लोगों को मताधिकार नहीं मिला अमेरिकी संविधान ने संविधानवाद के विकास में अपनी क्या विरासत छोड़ी बताना गणतंत्रवाद की विरासत, लिखित संविधान की विरासत संघात्मक व्यवस्था की विरासत मौलिक अधिकार की विरासत ये सारी विरासत छोड़ी अब मैं स्टूडेंट्स अब पहले अंकुर पूछो मेरे से क्लियर हो गए जल्दी लुसियाना पैक्ट एक्चुअली जो दोनों पार्टी लड़ते लड़ते दोनों पार्टी में तो बिलगाव हो गया था गिरयुद्ध हो गया था तो दोनों अलग अलग थे तो लुसियाना पैक्ट की पहल उत्तरी अमेरिकी राज्यों ने की तो दोनों दक्षिणी अमेरिकी राज्य भी बैठे दोनों के बीच एक सम्मेलन हुआ और उसमें दोनों ने साइन किया कि अब हम लोग एक हो जाए फिर तो वो जो संघ था उसे जो अलग हुए थे तो अलगाववाद को समाप्त किया लुसियाना पैक्ट ने अब कौन भाई उन्मूलन पूछ रहे हो क्या बात करो हिंदी शब्द जाके इंटरनेट में देखो भाई

मूलन मूलन <laughs> और वहां पर अगर डालोगे ना तो वहां पर वो खुद लिखवा देंगे मीनिंग हिंदी मीनिंग ऑफ उन्मूलन ऐसे डाल देना उस पर इंटरनेट पर तो अब देखो मेरा प्रश्न एक दूसरा है कि आप लोगों ने फ्रेंच ऑडिशन डाउनलोड किया है आप लोगों ने आज टॉपिक मैंने भेजा है उसको डाउनलोड किया है अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से प्लीज मैं स्टूडेंट आपने फ्रांस की क्रांति पर आज मैंने मैटर भेजा था आपने डाउनलोड किया है यस yes. yes. और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड करिए अब होमवर्क लीजिए मेरा कल क्या करना है आप क्या करके आना है आपको पृष्ठभूमि अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा कैसे मिली फ्रांस की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो क्रांति में घटित हुई कारण आर्थिक वैचारिक अथवा सांस्कृतिक कारक तात्कालिक परिस्थितियां यह क्रांति यूरोप के अन्य क्षेत्र में घटित न होकर फ्रांस में क्यों तो घटित हुई यह यहां तक कल पढ़ के तुम आओगे यहां तक यह क्रांति रूप के अन्य क्षेत्रों में घटित न होकर फ्रांस में क्यों घटित हुई यहां तक आप लोग पढ़ के आओगे जिन्होंने मेटेरियल डाउनलोड नहीं किया होगा कर लीजिएगा प्लीज अब आज यही रुकता हूं थैंक यू वेरी मच आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो मुझे भी कॉन्फिडेंस आप लोगों पर पूरा है आप लोग जरूर सोचने वाले प्रारी बनोगे हमें जरूर सफलता मिलेगी थैंक यू वेरी मच एंड सी यू